कानपुर देहात में बेटियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक ने नई पहल शुरू की है। उन्होंने जिले के प्रमुख स्कूलों में शिकायत पत्र पेटिका लगाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें पत्र डालने वाले का नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा और शिकायत दर्ज कर प्राथमिकता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जनपद में एंटी रोमियो टीम के साथ कुछ पुलिसकर्मियों को सादी वर्दी में रखा जाएगा। शरारती तत्वों के क्रियाकलाप पर पैनी नजर रखी जाएगी। कार्यक्रम चला जिसमें हमारे माननीय डीजीपी महोदय का ये निर्देश था कि हम लोग स्कूलों में जाकर उन लोगों को बच्चियों को अवेयर करें, उनकी सुरक्षा संबंधी जो हम लोगों की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उन चैनल्स को उनको बताएं। तो इसी क्रम में ये एक चीज़ हमने की जिसमें कि सभी स्कूल्स को हम लोगों ने ये निर्देशित किया कि आप अपने स्कूल कैंपस में एक शिकायत पेटिका लगाइए, जिसमें कि कुछ बच्चे ऐसी होती हैं कि उनके साथ अगर कोई गलत चीज़ हो जाए तो वो उसको ना बता पाए ओपनली जाके, तो वो अपनी शिकायत को उस पेटिका में डाल दें, जिसको हम लोग रेगुलरली मॉनिटर करते रहते हैं और जितनी शिकायतें उसमें आती हैं उनको संज्ञान लिया जाता है। योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा और सम्मान को प्रथम प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने मातहतों को भी कड़े निर्देश दिए हैं। इसी सिलसिले में कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक ने एक मुहिम चलाई, इसमें महिला कॉलेजों और स्कूलों के बाहर एक शिकायत पेटिका लगाई गई है, जिसमें महिलाएं या छात्राएं अपने साथ हो रही किसी प्रकार की छेड़छाड़ या अन्य घटनाओं को शिकायत पेटिका में डाल सकती हैं, जिसके बाद उस शिकायत पेटिका को खोल के पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। कानपुर देहात से कैमरामैन विनोद जोशी।